लगातार बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जनता दरबार लगाया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से बीजेपी बिहार ने सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें आज फरियादी की फरियाद सुनने के लिए बीजेपी के कृषि मंत्री मौजूद हैं। ऐसे में दरभंगा के अनियोजित कार्यपालक सहायिका के कुछ अभ्यर्थी आए थे, जो कि अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर आए थे। उनका कहना है कि उनके कुछ साथी जनता दरबार में भी गए थे, वहाँ पे उन लोगों को आश्वासन दिया गया था, मगर उनके लिए कुछ खास किया नहीं गया है और उनको यहाँ से भी कुछ खास मदद नहीं की गई। क्या कुछ कह रहे हैं अभ्यर्थी, जरा सुनिए आप। गंगा से आई हूँ, अनियोजित कार्यपालक हूँ, और मतलब हमारा 2018 में पैनल तैयार हुआ था, उसमें 600 में से 500 को जॉब दे चुका है। हम 80 ऐसे लोग हैं जो बस भटक ही रहे हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। हमें ये कहा जा रहा है कि भाई अब हो गया, अब तुम लोगों का नहीं होगा, और क्या यही सब अंदर बस ये आश्वासन दे के छोड़ दिया गया है कि हम बात करेंगे, ऊपर बात करेंगे, अब कब बात करेंगे। वो यहाँ से हमें कुछ ऐसा वो मिला नहीं कि हाँ हमारा हो ही जाएगा। जनता दरबार में भी आप लोग जनता दरबार में गए थे, हमारे पंकज जी गए थे, तो ये कहा गया कि वहाँ के मुख्यमंत्री से बात हुआ तो मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मतलब तुम सबको सेलेक्ट कर रहे हो, आधों को दे रहे हो, आधों को नहीं दे रहे हो, लेकिन वहाँ पे जो उनके आगे पीछे जो होते हैं ना, बात को गोल गोल घुमा दिया गया, बात वहीं ख़त्म हो गया बस। फिर हम जी नहीं, वहाँ नहीं, हम लोगों का अभी तक कोई नहीं हो, हम लोगों का तो बात ही नहीं। ऊपर से ये और कहा जा रहा है कि अब नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा भाई, पास हम भी किए हैं, सारा प्रक्रिया हमारा हुआ है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है पता। हम लोग दरभंगा से आए हैं, हम लोग का 2018 में कार्यपालक सहायक का पैनल बना था, जिसमें से 600 स्टूडेंट का पैनल बना था, जिसमें से 500 का लगभग हो चुका है, 100 स्टूडेंट बचे हुए हैं। अब वो हम जो बचे हुए स्टूडेंट हैं अनियोजित कार्यपालक, उनको बोला जा रहा है कि अब आप लोगों का नियोजन नहीं होगा, जो भी होगा आउटसोर्सिंग कंपनी बेल्ट्रॉन के द्वारा होगा। इसी की मांग के लिए कि हम लोगों का कुछ सुना जाए, और सरकार का भी यह वादा है कि 19 लाख रोज़गार दिया जाएगा, तो हम लोग तो इसी आशा में, और वैसे ही तो हम नहीं मांगे, हम लोग पास आउट हैं, एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो इसी उम्मीद में आए हैं कि कुछ हमारी सरकार सुने। क्या बोला गया यहाँ? आश्वासन दिया गया कि देखते हैं इस मामले को क्या। किस चीज़ के अभ्यर्थी हैं आप लोग? हम लोग अनियोजित कार्यपालक सहायक के। कितने लोगों का वैकेंसी निकला? बहस वैकेंसी तो बहुत भरा था, मगर जो फाइनल लिस्ट बना था तो 600 स्टूडेंट का पैनल बना था दरभंगा में, ठीक है, उसमें से लगभग हो गया 500 स्टूडेंट का हो गया है, 100 का बाकी है जी। सन 2018 में संजय कुमार दरभंगा जिला से, 2018 में बिहार प्रशासन सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा डीएम के निगरानी में कार्यपालक सहायक का एग्ज़ाम लिया गया, ठीक है, उसमें मैंने लिखित दिया और टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों पास करने के बाद पैनल का निर्माण किया गया। वो पैनल 600 का था, 600 पैनल में से 500 अभ्यर्थियों का नियोजन हो चुका है, शेष 100 अभ्यर्थी बचे हुए हैं जिनको बोला जा रहा है कि अब नहीं लिया जाएगा, अब आप लोग को जो है प्राइवेट एजेंसी के द्वारा लिया जाएगा, जो बेल्ट्रॉन है, ठीक है। इसके बाद मैंने डीएम से मिला, डीएम बोले हमारे बस की बात नहीं है, आप पटना में जाके बोलिए। तो हम लोग बीपीएसएम ऑफिस भी गए, प्रतिमा मैम क्लियर बोलती है कि अब आप लोग का नहीं होगा, जो होगा बेल्ट्रॉन से होगा। यहाँ हम ये भारतीय ये बीजेपी ऑफिस में गए, मंत्री लोग से मिले, ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे बस की बात है, हम ऊपर की है तो हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग के बारे में सोचा जा रहा है। इससे पहले भी हम लोग मिले थे, यहाँ जनता दरबार में भी मेरे कैंडिडेट गए थे वहाँ, तो मुख्यमंत्री साहब ये बोल रहे हैं कि आप आधे का सिलेक्शन कीजिएगा, आधे का नहीं कीजिएगा, लेकिन वहाँ पर जो सामान्य प्रशासन में भेजा जाता है, वहाँ प्रतिमा मैम चंचल कुमार बैठे होते, वो लोग बोलते हैं कि अब आप लोग का नहीं होगा, जो आप बेल्ट्रॉन से ही लिया जाएगा, आप लोग का जो होना था हो गया। कितने लोग बचे हैं? हम लोग दरभंगा में करीब 100 लोग बचे हुए हैं, ये हर जिला की स्थिति है। दरभंगा में जैसे लोगों की बहाली की बात, ये बहाली की बात हुई थी, पैनल बना था करीब दरभंगा में जैसे 600 बना था, मधुबनी में 1500 बना था, जिसमें से 600 वहाँ ज्वाइनिंग हुआ, 800 वहाँ बचे हुए, पूरे बिहार में करीब जो है 6-7 हज़ार कैंडिडेट बचे हुए हैं कार्यपालक सहायक का। सुना आपने किस तरीके से ये अभ्यर्थी कह रहे हैं कि इनके लिए कुछ खास मदद नहीं किया गया है, बस इनके बातों को टाल दिया गया है। इनका कहना है कि इनके ज़िले में 600 लोगों का फाइनलिस्ट तैयार हुआ था, जिसमें से 500 लोगों को नौकरी दे दी गई है और 100 लोग भटक रहे हैं, और इनको कहा जा रहा है कि अब आप लोगों का नहीं होगा, प्राइवेट स्तरीय आप लोगों का जो जॉब है वो होगा। क्या कुछ कह रहे थे ये लोग, आपने साफ तौर पर सुना, और ये लोग ये भी कह रहे थे कि इनको यहाँ से अब कोई उम्मीद नहीं है। इस तरह के तमाम खबरों से बने रहने के लिए बिहार इन शॉर्ट्स के साथ बने रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।